न्यूज में आज देखिए, भोपाल का नवनिर्मित सुख शांति भवन समाज सेवा के लिए हुआ समर्पित। ओम शांति के मंत्र के साथ राजयोगिनी दादी जानकी ने भवन का किया शुभारंभ। ट्रस्टी होकर कर्म करने की दी प्रेरणा। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूँ पूजा। भोपाल के आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव के अलावा बुलेटिन में आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यालय शांतिवन में कार्यक्रम, नए भारत निर्माण का युवाओं ने लिया संकल्प। आगे कई राजनेताओं से संस्थान के सदस्यों ने की मुलाकात। नई दिल्ली में रेल राज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले सदस्य। तो उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून सेवा केंद्र पर की शिरकत। और आखिर में विश्व हिंदी दिवस पर इंडोनेशिया के बाली स्थित स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में हिंदी भाषा पर आयोजित हुई प्रतियोगिताएं, ब्रह्मा कुमारीज ने सहभागिता कर प्राप्त किया प्रथम स्थान। बुलेटिन की शुरुआत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पहली बार दादी जी के आगमन पर भव्य रूप से उनका स्वागत हुआ। नीलबर्ट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित सुख शांति भवन के उद्घाटन समारोह में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी समेत मुख्यालय माउंट आबू से सैकड़ों सदस्य मुख्य रूप से शामिल हुए। पुलिस बैंड की धुन और पुष्प वर्षा के बीच शिव ध्वजारोहण कर दादी ने भवन को लोक सेवा, जन कल्याण और जनहित के लिए समर्पित कर दिया। इस मौके को खास बनाने के लिए त्रिदिवसीय आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें दादी जी ने अपने आशीर्वचनों की वर्षा करते हुए कहा कि परमात्मा सब कार्य स्वयं करते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, करण करावनहार तो बाबा है। मुझे बाबा कहता है, ये हाथ धीरे देने वाला है, पांच अंगुली बराबर नहीं है, छोटी है या मोटी है, परंतु मेरे एक एक की विशेषता पर नहीं है। तो यहाँ भी जो बाबा के बच्चे हैं, पांच भी होंगे ना। अच्छा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए आईजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद, शहर काजी सैयद मुस्तक, आयुष विभाग की पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखा दुबे, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवदेश, सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता, चंडीगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता समेत शहर के कई गणमान्य व्यक्ति एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वही आगे सभी ने इस खुशी के मौके पर अपने दिल के उद्गार भी व्यक्त किए। इस तरह से जो अध्यात्म का जो फ्लो है जनमानस में, आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों के माध्यम से जो प्रवाह हो रहा है, उसे जनमानस बहुत तृप्त होता है। सोसाइटी में, समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे बहनों का और भाइयों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये बाबा ने आज मुझे बता दिया ये बोल के कि ये मेरे पुरुषार्थ के कारण नहीं है, ये आप लोगों के बहुत सारे आशीर्वाद के कारण मैं इस मंच पर खड़ा हूँ और इस संस्था से जुड़ता जा रहा हूँ। अंदर से एक बहुत ही दृढ़ ऐसा संकल्प आता था कि भोपाल हमारी राजधानी है, यहाँ कोई ऐसा स्थान बने जो सभी को रियल में सुख और शांति की अनुभूति कराता रहे। समारोह में चार चांद लगाने के लिए बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें आरडी मेमोरियल कॉलेज द्वारा नमो नमो गीत की धुन पर नौ देवियों का प्रदर्शन देखने लायक था। वही आकृति एंड ग्रुप के सदस्यों ने गली में आज चांद निकला गीत पर दादी के सम्मान में नृत्य की प्रस्तुति दी, तो अन्य बच्चों ने भी कई गीतों की धुन पर अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध लिया। स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों एवं कॉलेजों के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
संस्थान की युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन में मूल्यों को आत्मसात कर पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, इसलिए हमें आज नए भारत निर्माण का संकल्प लेकर स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में शांतिवन में युवाओं की प्रेरणा के लिए बड़ी रंगोली बनाई गई, जिसमें श्रेष्ठ कर्म करने तथा दूसरों का सम्मान करने की प्रेरणा शामिल थी। इस कार्यक्रम में आबूरोड पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, ब्रह्म कुमारी संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा युवा उपस्थित थे। इस अवसर पर मौजूद सभी युवाओं के द्वारा शांतिवन परिसर में रैली भी निकाली गई। संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने राजधानी दिल्ली में रेल राज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर उन्हें संस्थान का सोविनियर भेंट किया, साथ ही मुख्यालय पधारने का निमंत्रण भी दिया। इस मुलाकात के दौरान उन्हें चंडीगढ़ बांद्रा ट्रेन नियमित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया। मौके पर बीके शिविका भी उनके साथ मौजूद रही। ऐसे ही आगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके प्रकाश ने मुलाकात कर संस्थान का सोविनियर भेंट किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वैश्विक उपस्थिति सत्य ज्ञान के द्वारा मानवता और सत्धर्म की जो सेवा कर रही है वह बहुत प्रशंसनीय है, ये कहना है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। देहरादून में संस्था की मुख्य शाखा सुभाष नगर में वैश्विक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम युग विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस दौरान उन्होंने अपने भाव सभी के समक्ष व्यक्त किए। इस अवसर पर संस्कृत विद्वान डॉ. बुद्धदेव शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, हरिद्वार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों की मुख्य उपस्थिति रही। मुंबई के विलेपार्ले सेवा केंद्र की प्रभारी बीके योगिनी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस द्वारा आयोजित भारतीय मानवाधिकार सम्मान 2018 के पुरस्कार से नवाजी गईं। समारोह दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा, बढ़ावा देने तथा मानवता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहने के लिए बीके योगिनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यालय माउंट आबू से आई राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी भी उनके साथ मौजूद रही। संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा स्वर्णिम युग के लिए वैश्विक ज्ञान थीम के अंतर्गत उदयपुर के प्रताप नगर में कार्यक्रम हुआ। नए समाज के लिए नए आयाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभाग के उपाध्यक्ष एवं पंजाब जोन के निदेशक बीके आमिर चंद ने बताया कि ईश्वर पर विश्वास से ही जीवन में मूल्य स्थापित होंगे, जिससे श्रेष्ठ व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार और परिवार से श्रेष्ठ समाज की रचना संभव है। समाज जो अच्छा था, डिवाइन वैल्यूज वाला था, सतयुग जिसे कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, वो वहाँ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड सोसाइटी थी, वैल्यू बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी से वैल्यू आएगी। इस आयोजन में प्रभाग के संयोजक बीके अवतार, सेवा केंद्र की संचालिका बीके विजय लक्ष्मी, बीके आशा समेत शहर के समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जेपी शर्मा, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. उमा शंकर व अन्य कई विशिष्ट नागरिक विशेष रूप से शामिल हुए। अगर हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है तो जैसा कि बताया कि पीस, फेथ, लव, ये सभी चीज़ें उसमें समाहित है, और ये सभी चीज़ें अगर जीवन में समाहित हो गई तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीवन किसी को बहुत सहज और सरल रखना है और ईश्वर के मार्ग पे चलना है तो शरीरी का ध्यान रखें, शरीरी मीन्स आत्मा। संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर आधारित टच द लाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार्यक्रम हुआ। विशेष विद्यार्थियों के लिए नैतिकता, एकाग्रता, आत्मविश्वास और अन्य गुणों के विकास हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में कोसानगर गवर्नमेंट स्कूल की प्राचार्या सिन्हा, EMMS की प्राचार्या मिथु मजुमदार, JJ एडवर्टाइजमेंट के चेयरमैन राजीव पाठक समेत बड़ी संख्या में शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य शिक्षिका बीके गीता और बीके अनुपमा ने विविध एक्टिविटीज कराई।
इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए, जिसके बाद सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 20 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। माना जाता है 2025 तक यह संख्या बढ़कर 38 करोड़ हो जाएगी। इस बीमारी के प्रति जनसमूह में जागरूकता लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज पूर्णतः प्रयासरत है। महाराष्ट्र के नारायण गांव स्थित जय हिंद पैलेस में संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर आयोजित हुआ। जूनर तालुका के विधायक शरद सोनवड़े, वन अधिकारी मस्के, सहायक महासचिव बुजबड़, सरपंच बाबू पाटे समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। तो वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर मल्हार देशपांडे और डॉक्टर उज्जवल कापड़नीज ने राजयोग मेडिटेशन के जरिए इस बीमारी को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए। अब डालेंगे अन्य कुछ खबरों पर एक नजर। यूपी वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग के थॉट लैब प्रोजेक्ट के संदर्भ में चर्चा हुई, जिसमें आयुर्वेद विभाग के डीन एवं प्रोफेसर समेत सभी विद्यार्थियों ने खास रुचि दिखाई। मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से शिक्षा प्रभाग के फैकल्टी प्रोफेसर बीके मुकेश, बीके सुप्रिया, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके तापोशी, बीके विपिन तथा भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल बीके विकास कुमार चौहान की मुख्य मौजूदगी रही। परिचर्चा में आयुर्वेद विभाग के डीन प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने संस्था द्वारा मानव समाज के उत्थान एवं नैतिक जागृति के लिए की जा रही निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर रानी सिंह भी उपस्थित थी। यूपी के फरुखाबाद में जटवारा जजीद अंगूरी बाग सेवा केंद्र के 17 वर्ष पूरे हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए सेंट्रल जेल के जेलर बीके सिंह ने कहा कि भारत को स्वच्छ एवं स्वर्णिम बनाने में सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश रतलाम में वन विभाग कार्यालय में फॉरेस्ट अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन एवं दवा मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें बीके सविता ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा सभी को तनाव मुक्त रहने की कला सिखाई। इस कार्यक्रम में DFO SK गुप्ता समेत बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस विशेष विदेशों में भारत के दूतावास में अनोखे रूप से मनाया जाता है। इंडोनेशिया के बाली स्थित स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में भी विभिन्न विषयों पर हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने सहभागिता तो की ही साथ ही प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। विशेष अतिथियों में कौंसल जनरल आर ओ सुनील बाबू और स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर मनोहर पुरी ने प्रतिस्पर्धाओं में विजेता सदस्यों को सर्टिफिकेट भेंट किया। इस मौके पर गीत, कविता, भजन आदि प्रतियोगिताएं शामिल थी, जिसमें देन पसार सेवा केंद्र से जुड़े बीके अनोम ने सहभागिता कर हिंदी गीत तू प्यार का सागर है की प्रस्तुति दी। इस मौके पर बीके अनोम के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में संस्थान के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्य स्मृति पर हुए कार्यक्रम की दिखाएंगे आपको पूरी खबर परसों रात 9 बजे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बुधवार रात आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।